हाय एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फार्मूले का यूज करना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डेटा बनाएंगे। डाउन पेमेंट ₹30,000, नंबर ऑफ ईयर दो साल, इंटरेस्ट रेट परसेंट। ये मेरी किसी कंपनी का फाइनेंशियल का है, जो कार की प्राइस 1,00,000 है और डाउन पेमेंट उसका 30,000 हमने डाउन पेमेंट दिया है, और नंबर ऑफ ईयर है जो हमारा 2 साल का है, और इसका इंटरेस्ट रेट है जो 4% है। अब हम इसका ईएमआई निकालेंगे। यानी कि हम मंथली इंस्टॉलमेंट कंपनी को कितना देंगे, यानी हर मंथ हमें यहाँ पे कंपनी को कितना देना पड़ेगा, पीएमटी फार्मूले के द्वारा हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इक्वल क्लिक करेंगे यहाँ पे पीएमटी, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे रेट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई 12 फिर कामा देंगे, नंबर ऑफ ईयर जो नंबर ऑफ ईयर हमारा 2 साल है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कमा देंगे जो टोटल वैल्यू है, यानी कि प्राइवेट वैल्यू मेरी 1,00,000 रुपये है, माइनस उसके बाद हम डाउन पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। हमने जैसे यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे हमारा ईएमआई आ गया, यानी कि 3,039 रुपये पर मंथ हम ईएमआई देंगे। वैसे ही हम यहाँ पे पीएमटी आईपीएमटी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ, आईपीएमटी और पीपीएमटी। ये मेरा ईएमआई है जो हर मंथ इंस्टॉलमेंट में हम देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो ब्याज है कंपनी की, हम यहाँ पे उसको निकालेंगे, और यहाँ पे पीपीएमटी जो होगा हमारा मूलधन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे, सीरीज आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, हम यहाँ पे निकालेंगे आईपीएमटी, इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आईपीएमटी, शिफ्ट के साथ इसको ओपन करेंगे, रेट पूछ रहा है तो हम यहाँ पे रेट को सिलेक्ट करेंगे। अब रेट को या फोर के साथ हम फिक्स कर देंगे, डिवाइड करेंगे 12, कमा देंगे पर जो है पर, यानी कि पर मंथ, तो इस वाले मंथ को हम सिलेक्ट करेंगे, कमा देंगे, नंबर ऑफ ईयर जो नंबर ऑफ ईयर है हमारा इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर को भी हम फिक्स कर देंगे इनटू
कमा देंगे। प्राइवेट वैल्यू है तो प्राइवेट वैल्यू को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी F4 के साथ हम फिक्स कर लेंगे। माइनस डाउन पेमेंट, इसको भी हम F4 के साथ फिक्स कर लेंगे, सेव के साथ क्लोज कर लेंगे, एंटर करेंगे। यानी कि ये हमारा जो ब्याज है मंथली, ये हमारा यहाँ पे निकल चुका है, तो अब इसको ड्रैग कर लेंगे, ये हमारा ब्याज आ गया यहाँ पे। वैसे ही अब हम यहाँ पे निकालेंगे PPMT इक्वल टू PPMT रेट, हमने यहाँ पे रेट को सिलेक्ट कर लिया, ये F4 के साथ इसको भी फिक्स कर लेंगे, रेट को सिलेक्ट किया, ये F4 के साथ यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। डिवाइड बाई 12 कमा देंगे, पर सिलेक्ट है तो हमारा पर मंथ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कमा देंगे। नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर हमारे यहाँ पे है तो नंबर ऑफ ईयर को सिलेक्ट करेंगे, ये F4 के साथ इसको भी फिक्स कर लेंगे। इनटू 12 कमा देंगे। प्राइवेट वैल्यू, तो प्राइवेट वैल्यू यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहा है, प्राइवेट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, F4 के साथ इसको भी फिक्स करेंगे। माइनस डाउन पेमेंट, यानी इसको भी हम F4 के साथ फिक्स कर देंगे, सेव के साथ क्लोज करेंगे। ये मेरा मूलधन निकल आया, इसको भी ट्रैक कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, जो कार की प्राइस है 1,00,000 रुपया और उसमें से 30,000 रुपया यहाँ पे दिए हुए हैं, तो टोटल मेरी जो प्राइस है यानी कि 70,000 रुपया बचेगा। तो देखते हैं टोटल जब काउंट करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब सभी को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ऑटो सम पे चले जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे 70,000 रुपया यहाँ पे आ चुका है। वैसे ही हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, सिप के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा ब्याज आ जाएगा। जब इसमें से यानी कि 70,000 में से ये आप घटाएंगे तो ये आपको ब्याज यानी कि पर मंथ जो आप दिए इंस्टॉलमेंट, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे कंपनी को कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।